मैं कुलदीप बिश्नोई शपथ लेता हूँ कि जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा और सच छुपाने की कोशिश नहीं करूँगा। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नाम शपथ है और सवालों के कटघरे में सच बोलने की शपथ ली है आज हज का सुप्रीमो यानी हरियाणा जनहित कांग्रेस के सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई। ये हिसार में कई लोग ये कहते हैं, देखिए जब मैं आता हूँ सर तो प्रॉपर रिसर्च पढ़ाई लिखाई मैं ढंग से करता हूँ। हिसार में लोग कहते हैं कि आपको हिसार प्रॉपर हिसार हल्के से वोट खूब मिलते हैं जब आप इलेक्शन लड़ते हैं, जब विधानसभा चुनाव होता है तो आपका कैंडिडेट हार जाता है, कोई मैच फिक्सिंग देखिए सवाल जिंदल परिवार से कहीं कुछ नहीं, दूर दूर तक ऐसा नहीं है। मैं आपको अगर आप मेरे आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि आप बहुत रिसर्च करके आप हर सवाल पूछते हैं, आपके सवाल भी बहुत अच्छे हैं, आप इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वेरी इंप्रेस्ड। चलिए सर अच्छा है कि आपने मुझे इंटेलिजेंट कह दिया, मेरी वाइफ तो मुझे समझती ही नहीं है। चलिए ठीक है, वाइफ तो किसी को भी इंटेलिजेंट नहीं समझती। अच्छा मतलब हमारी और आपकी एक ही कहानी है। ठीक है, मैं तो आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने रिसर्च अच्छी किया, अगर रिसर्च अगर आपने की तो आप मेरा इतिहास उठा के देखिए। मैंने बार बार मुझे कहना पड़ा कि मैं सिद्धांतों की राजनीति करता हूँ, तो मैच फिक्सिंग कुलदीप बिश्नोई लाइफ में नहीं कर सकता है। अगर मैं उस टाइप का आदमी होता तो कब के अपने मैच फिक्सिंग करके सौदे कर गया होता। कुलदीप बिश्नोई इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे हर हालत में, कहां से ये इस वक्त मैं जहां से मेरी पार्टी चाहेगी वहीं चुनाव लड़ूंगा। सर एक्सपर्ट है क्या बोलना है कितना बोलना है ये तय नहीं है कि कहाँ से लड़ेंगे? नहीं देखिए, मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा, मेरी इच्छा है, क्योंकि जो मैं करना चाहता हूँ तभी करूंगा जब एक जगह हम पहुंचे जब विधायक बनेंगे। हाँ, और विधायक और चुनाव जहाँ पार्टी चाहेगी कि जहाँ मेरे खड़े होने थे। ऐसे कुछ इंडिकेशन दिया होगा पार्टी ने आपको? नहीं अभी हमारी इस पे चर्चा नहीं हुई है मेरे से चुनाव लड़ने पे। अभी हमारी जो पैनल बनाया है हम लोगों ने वो उसमें 6-7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मेरा नाम आया है कि आपको कुलदीप को यहाँ यहाँ से लड़ना चाहिए। वो तो साथ कौन-कौन से? मैं उसको अभी नहीं बता पाऊँ, इनर पार्टी मैटर है क्योंकि अच्छा। वो ठीक नहीं होगा। तो हमारा उन 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ मेरे खड़े होने से हमारा एक MLA का नंबर बढ़ता है। महेंद्रगढ़ तो नहीं है ना आप? अभी इस वक्त मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मतलब महेंद्रगढ़ नारनौद ये सब तो नहीं है ना आपके रिसर्च में कहीं? नहीं मेरे मेरे टारगेट में है वो सारे रिसर्च में। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये महेंद्रगढ़ कौन कौन सा है, आपका सुपर 10 कौन सा है, सुपर 10 सीट्स कौन सी है, वो टारगेट 10 सीट्स? नहीं टारगेट सीटें हमारी जिन लोगों ने 46 जिन हाँ जिन लोगों ने, उसमें भी टॉप 10 वाली नहीं, जो टारगेट सीटें हैं जिन लोगों ने राजनीति को व्यापार बनाया हुआ है या जो धोखेबाज लोग हैं, मैं समझता हूँ कि राजनीति से उनको बाहर करना चाहिए, वो सीटें हमारी टॉप टारगेट पे हैं, चाहे वो महेंद्रगढ़ है चाहे वो नारनौद, नेता हमारे टारगेट पे है, सीटें टारगेट पे नहीं। हाँ नेता में जैसे कौन कौन से बता दीजिए, एक मैं कुछ मदद करूँ आपको? आप बोलिए, जो गलत बोलेंगे मैं रोक दूंगा मैं। हाँ ठीक है, ये ठीक है, आपका धर्म भी हो जाएगा बच जाएगा, मेरा कर्म भी हो जाएगा। पंडित रामविलास शर्मा नहीं बोलते रोक दूंगा ना मैं आपको, आप गलत बोलेंगे मैं रोक दूंगा। मतलब ये बताइए कि वो नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है, नंबर 3 पर है? मेरे नंबर सारे बराबर, टारगेट जब होता है निशाना लगाना है सब एक ही टारगेट पे रहते हैं मेरे, एक ही तीर से थ्रू कर दूंगा सारे सरल है। तो रामविलास शर्मा टारगेट नंबर 1, आगे बढ़े जी। अनिल विज बोलते रहिए, 10 नाम बोलिए ना। कैप्टन अभिमन्यु ठीक है, चलिए चलिए, अब मैंने कहा गलत बोलेंगे तो मैं रोकूंगा ना, जब आप ठीक बोल रहे हो तो मैं चुप बैठा हूँ ना। अब मोदी जी तो यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे नहीं कि मैं उनका नाम लूँ, वो मेरे टारगेट पे नहीं है। सुषमा स्वराज लड़ेंगी नहीं, वही आप बोलिए ना। अमित शाह लड़ेंगे नहीं, वो बहुत बड़े लोग हैं, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, उनके टारगेट पे मैं हो सकता हूँ, वो मेरे टारगेट पे कैसे? तो मेरी मदद कर दी ना, 3 नाम तो मैंने बता दिया। कृष्णपाल गुर्जर वो भी नहीं लड़ेंगे, उनके बेटा लेंगे, मतलब बेटे के की है लिस्ट में। देखिए 3 नाम आपने लिए, उसके अलावा और भी पार्टियां हैं, चौटाला साहब की पार्टी है, हुड्डा साहब की पार्टी अच्छा, है, वो तो मैं वो तो मेरे तभी अक्रॉस पार्टी लाइन लोग टारगेट पे हैं। अब मैं आता हूं असली वाले पे, अनिल विज साहब इस कटघरे में बैठे थे, हमने कहा ये क्या आप घोड़ा वोड़ा आजकल सुना पाल वाल करके रखा हुआ है, हमने कहा ये लंगड़ा घोड़ा करते हैं आप, ये कौन है लंगड़ा घोड़ा? बोले जी वो मैंने लंगड़ा घोड़ा किसी को नहीं कहा। हमने कहा फिर भी इतने शरीफ क्यों बन रहे हैं, जिसको बोला बोल दीजिए। बोले जी जो चुनाव में हार जाए, जो दौड़ ना सके,
वो लंगड़ा नहीं है तो और क्या है? देखिए, पहली बात तो अनिल वीर साहब जब भी दौड़ लगाना चाहे मैं तैयार हूँ भागने के लिए उनके साथ। और दूसरा, घोड़ा या लंगड़ा हो वो खच्चर से फिर भी महंगा ही रहता है भैया। कैप्टन अभिमन्यु कह रहे थे कि हम चाहते थे कि ये गठबंधन रहे, इसी सब इसी शपथ इसी गटगरे में थे, कह रहे थे ये, लेकिन कुलदीप को थोड़ा समझदारी से उनको काम लेना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए। हमने कहा कि आपने कुलदीप कह रहे हैं, मैंने कहा कि मैं जो कुछ कहता हूँ ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, ऑफ रिकॉर्ड कुछ भी, मैं ऑफ द रिकॉर्ड वाली बात की कोई भी ऑन रिकॉर्ड नहीं। हमने कहा कुलदीप विश्नोई उनकी पार्टी का ये बयान है खुलेआम कि आपने उनको हरवाया, सक्रिय भूमिका अदा की और डेली कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे उनके यहाँ बही खाता मेंटेन हो रहा है, विधानसभा चुनाव आने वाला है, ये सही है? देखिए, कैप्टन अभिमन्यु साहब ने अगर कहा कि कुलदीप बिश्नोई को समझदारी से काम देना चाहिए तो मैं कैप्टन अभिमन्यु तो मुझे सीख नहीं देनी चाहिए उनको, मुझे वो कौन से वो जो आदमी गाँव का सरपंच भी नहीं बन सकता, वो कुलदीप बिश्नोई कैसे कहेगा? क्या इतिहास कैप्टन अभिमन्यु का है? सिर्फ एक किसी पार्टी में जुगाड़बाजी करके पैसों के आधार पर एक पद ले लेना, टिकट लेके आ जाना, ये आदमी नेता नहीं बनता है। नेता दिलों के राज दिलों से बनता है। कैप्टन साहब ने 3 चुनाव लड़े, 3 चुनाव हारे हैं और आज भी कोई सेफ कॉन्स्टिट्यूएंसी ढूंढते फिर रहे हैं। उसका आपको ये एक तो बीजेपी वालों से आप शपथ मत दिलवाया करो, सब कोई फर्क नहीं पड़ता है उनका, लेकिन उनसे सिर्फ आप ये सवाल आप पूछिए, आप ये कह रहे हैं कैप्टन साहब, आप ये कह रहे हैं या रामविलास जी आए तो उनसे पूछिएगा, आप कह रहे हैं कि मोदी साहब की लहर चल रही है तो फिर आप सेफ कॉन्स्टिट्यूएंसी क्यों ढूंढ रहे हैं? अपने अपने हलकों से लड़ो ना आप लोग, तो पता लग जाएगा कि कौन कितने पानी चल रहे हैं। और जहाँ तक हरवाने की बात आपने कही है, इसमें सही बात है, और इसमें चाहे वो बीजेपी के सारे नेता हैं, चाहे कौन कौन लोग हैं बाई नेम बताइए आप, सारे थे बीजेपी के, एवरी एंटायर बॉडी ऑफ भारतीय जनता पार्टी, ऑल टॉप पूरे के टॉप से लेकर नीचे तक सबकी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था मेरे खिलाफ, और टॉप बॉडी से लेकर नीचे तक, चाहे उसके बाद चाहे प्रकाश सिंह बादल जी थे, बाबा रामदेव जी थे, कांग्रेस को वैसे तो गालियां निकालते, मेरे चुनाव में एक साथ बैठे हुए थे सारे, चौटाला के चौटाला, कांग्रेस, बीजेपी, बादल, बाबा रामदेव, सब ने मिल के मुझे हराने का प्रयास किया और उसमें कामयाब भी रहे उनके अपने 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 षड्यंत्र के तहत। आज ये बीजेपी बादल साहब को रोकने की बात करते हैं तो उनका एक तो सीधा सीधा यहाँ पता लगता है कि मेरे चुनाव में बादल साहब को क्यों नहीं रोका इन लोगों ने? उस वक्त उन्होंने कहा कि भाई चौटाला के साथ इनका स्टेट में अलायंस है, हम नहीं रोक सकते हैं, चलो आप रोक लो बादल साहब को। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अगर बादल साहब पे अपना इतना होल्ड मानती है बीजेपी तो ये हमारा ये अहिरवाल इलाका है या हरियाणा का ही इस तरफ का इलाका है, सदर हरियाणा या सारा हरियाणा, SYL का पानी ला के देना बादल साहब से, कुलदीप बिश्नोई बिना शर्त समर्थन करेगा, मैं मेरी पार्टी मर्ज कर दूंगा बीजेपी के अंदर अगर हमारा SYL का पानी चुनाव से पहले ला के दे दें। ये सिर्फ खाने के और दिखाने के और वाले दांत हैं भारतीय पार्टी के, हाथी वाले। ये पंडित रामविलास शर्मा जी, अभी एक बयान आया जो आपने गठबंधन तोड़ा और जोड़ा, कहते हैं कि एक शादी टूटी नहीं, पहले ही से दूसरे की तैयारी कर ली। देखिए, ऐसा नहीं है, ये तो सावन के अंधे को हरा ही नजर आएगा, जो लोग गठबंधन तोड़ते रहे हैं, धोखे देते रहे हैं, उनको अपने जैसे लोग दिखेंगे सब। लेकिन जैसा मैंने कहा कि राजनीति के अंदर 1 और 11 वाली बात होती है, लाइक माइंडेड लोग हम इकट्ठे होके आए। मैं अभय चौटाला इसी कटघरे में थे, मैंने उनसे पूछा, हमने कहा कि कुलदीप ये आंकड़ा बताते हैं कि चौटाला परिवार में अब तक कितने लोगों ने कितने चुनाव लड़े हैं और कितने बार जीते और कितने बार हारे, और कुलदीप अपने भी परिवार की बात करते हैं कि कितनी बार चुनाव लड़े, कितनी बार, कितने लोग लड़े, कितनी बार लड़े, कितनी बार जीते और कितनी बार हारे। कहते हैं कि अभी भी वो फिगर जो है एक्सेल सीट पर बना लीजिए, 2 कॉलम और देख लीजिए। तो अभय चौटाला ने कहा, हाँ वो मुझे पता है, दादा का सूत तो पोता ही उतारता है। लेकिन दादा को उतारता है, उतरा कहाँ है जी? 4-1 से आगे हैं अभी हम, 4 चुनाव हमने हराए हैं, 1 चुनाव हम पीछे रहे हैं, तो उनकी थोड़ी, क्योंकि वो पढ़ा लिखा कम है ना, अभय चौटाला बेचारा क्या करे, मजबूरी है, तो मेरे साथ कई बार किसी डिबेट में 1-2 बार फंस गए थे, उठ के जाना पड़ा उनको, क्योंकि थोड़ी अंग्रेजी टाइट है उनकी और गणित भी टाइट होगी आपकी बात से, मुझे भी पता लग गया, अगली बार मिलूंगा तो बोल दूँ गणित भी ठीक करिए, 4-1 से बदला नहीं होता है, और वैसे भी बदला तो उतारना होता, डबल से उतारना होता, अगली बार भगवान चाहेगा दिखा देंगे इनको। करप्शन की बात आप करते हैं, और देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं जो भी सवाल करूंगा वो सब ऑन रिकॉर्ड है। वो कहते हैं कि भजन लाल जी के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाया उन्होंने,
कहा कि करप्शन के चार्जेस थे उन पे, जो भी भाषा इस्तेमाल करना वो करते रहे, बोले कि उनके पुत्र पाक साफ कैसे हो सकते हैं। देखिए अभय किसने बोला, अभय जी ने बोला है जी, लोगों का देश के कानून के बारे में कितना टाइट मामला है ये तीसरी बात मुझे पता लग गया आज उनकी। हिंदुस्तान का संविधान ये कहता है, अगर पहली बात तो ये है कि दुनिया में कोई ना रहे, संस्कृति कहती है हमारी, उसके बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और दूसरा उनको इतिहास का ज्ञान कम है। चौधरी भजन लाल जी हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ऐसे ऐसे नेता थे पहले जिनके ऊपर चार चार इन्वेस्टिगेशन हुई और चारों में पाक साफ निकले। जसवंत सिंह आयोग बिठाया, जसवंत जब आयोग बैठता है, आप आयोग का मतलब आप समझते हैं, वो खुदेड़ के हर चीज़ को माइन्यूटली देखते हैं। आयोग पूरा बिठाया गया, रिटायर्ड जज थे जसवंत सिंह जी, उन्होंने पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन की। उसमें कहा कि चौधरी भजन लाल जी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप तो क्या, भ्रष्टाचार के शक की सुई भी नहीं घूमती। कॉपी मेरे पास पड़ी है, अभय हुटाला जी को भिजवा दूंगा, हम दिखा देना आपको। और दूसरा उनके फादर की सरकार के अंदर विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन हुई, और उनको इस बात का पता होना चाहिए कि जब स्टेट की विजिलेंस इन्वेस्टिगेट करती है तो विजिलेंस डायरेक्ट मुख्यमंत्री के अधीन होता है, नीचे होता है। तो अगर चौधरी भजन लाल जी के ऊपर इतना भी कुछ करप्शन या कुछ किया होता, माल मिलता इनको कुछ मसाला, तो हम चौधरी भजन लाल जी को ओम प्रकाश चौड़ा जैसे आदमी बख्शता किसी बात में। विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन में हम पाक साफ निकले। फिर CBI इन्वेस्टिगेशन हुई GMM के मामले में, उसमें पाक साफ निकले। इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके अंदर पाक साफ निकले। हम तो चार चार इंक्वायरी में पाक साफ निकले हैं। चौटाला परिवार तो पहले इंक्वायरी में जेल में बैठे हैं, 17 साल में सजा हो गया। ये कांग्रेस से कितनी मोहब्बत है, क्योंकि कल तो कोई जानता नहीं है ना। मतलब आपने खुद कहा कि पॉलिटिक्स में कल क्या हो क्या पता, मेरे शब्द नहीं आपके शब्द हैं। कांग्रेस से ऑनेस्टली बताइए, देखिए कांग्रेस पार्टी, जिस दिन आपने घोषणा पत्र जारी किया और आप रॉकेट की गड़ के स्पीड से चंडीगढ़ से रवाना हुए थे, कहाँ गए थे पता नहीं। जब आपकी पहली बैठक या दूसरी बैठक किसी फार्म हाउस में दिल्ली में जब विनोद शर्मा जी के पास हो रही थी, तो हमने ही चलाया था, क्योंकि हमारे खुफिया तंत्र ने और जासूसों ने और गुप्तचरों ने ये सूचना दी थी। उस दिन जब चंडीगढ़ से आप निकले तो बहुत रॉकेट गति से आप निकले, चंडीगढ़ छोड़ा आपने, शाम में बड़ी चर्चा हुई। मैं उसको र्यूमर इसलिए कहता हूं कि उसकी कोई पुष्टि नहीं है अभी तक मेरे लेवल पे। पुष्टि ये खबर आई कि आप विनोद शर्मा जी कांग्रेस के किसी बड़े नेता से कहीं प्रेमालाप हो रहा है। देखिए मैंने इस बात को कई बार जवाब इसका दिया है कि कुलदीप बिश्नोई किसी भी हालत के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हाथ नहीं मिला सकता है, क्योंकि हमारी सोच में फ़र्क है, हमारी कार्य शैली में फ़र्क है। जो कुलदीप बिश्नोई अमित शाह को मिलकर ये कह सकता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर उन भ्रष्ट नेताओं को, चौटाला पार्टी के गुंडे नेताओं को आप शामिल करते जा रहे हैं, उनको अगर आप टिकट देंगे तो कुलदीप बिश्नोई एक ईमानदार आदमी है, मैं उनके साथ स्टेज के ऊपर नहीं बैठूंगा। वो आदमी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो इतना बड़ा भ्रष्ट आदमी है, जिसके अंदर इतने लोगों के CLUs की और एलिगेशन लग रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई कैसे आदमी आ सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं कुलदीप बिश्नोई शपथ लेता हूँ कि जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा और सच छुपाने की कोशिश नहीं करूँगा।